कौन सी बात पप्पू? वही कहाँ देखा था तुमने सैफुर रहमान को? ओह, क्लिफ्टन मॉल के सामने। बताइए, वो खूबसूरत सी लड़की कौन थी आपके साथ? क्या पूछना चाह रही हैं? इतना तो सीधा सवाल पूछा है, वो लड़की कौन थी आपके साथ? अफर, ठीक है तो कह रहे तुम्हारे टेम्पररी ससुर, इतना तो समझाया था तुम्हें, मॉन्टेसरी की बच्ची हो तुम। क्या बोलूं, मम्मी मेरी गर्दन पर पांव रखकर बैठी होती है। तुम्हारी मम्मी के पांव का इलाज तो मैं कर दूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हें बता दूं, अब अगर तुम ससुराल में अपने मुंह पर उंगली रखकर बैठे तो शाम में आके तुम्हारी उंगली समेत तुम्हारी जबान भी काट दूंगी। फोन रख रही हूँ मैं। अच्छा, नाराज तो मत हो प्लीज। तुम जब चांद पर अपनी बहादुरी की छावनी तामीर कर लो ना, तब मुझसे बात करना। शाम को घर आओ, खुदा हाफिज़। माशाल्लाह, आपको तो ससुराल में भी टेलीफोन कॉल आराम से बैठने नहीं देती। ओहो, पप्पू कोई जरूरी फोन कॉल होगी, है ना? जी हाँ, काफी जरूरी थी। वो हमारी बात तो अधूरी रह गया लिया, क्या कह रही थी तुम? कौन सी बात पप्पू? वो कहाँ देखा था तुमने सैफुर रहमान को? ओह, क्लिफ्टन मॉल के सामने। बताइए, वो खूबसूरत सी लड़की कौन थी आपके साथ? क्या पूछना चाह रही हैं? इतना तो सीधा सवाल पूछा है, वो लड़की कौन थी आपके साथ? दोस्त। अच्छा, दोस्त को शॉपिंग कराई जाती है क्लिफ्टन से, और होने वाली बीवी जामा क्लॉथ से। ये आप मम्मी से पूछो। दोस्त के साथ तो आप ही रहे थे क्लिफ्टन, और ये बात तो मम्मी भी नहीं जानती। ठीक है, पूछ लेते हैं फिर तुम्हारी मम्मी से। चलो। क्या दोस्त इकट्ठे शॉपिंग पे नहीं जा सकते? घूम नहीं सकते? अगर नहीं तो तानिया, उस लड़के का क्या नाम है, हाँ अली, वो हर जगह इकट्ठे नजर आ रहे होते हैं। साथ नजर आने वालों के दरमियान जरूरी नहीं कि अफेयर ही चल रहा हो। बाकी आप पूछिए मम्मी से, हो सकता है वो आपको बेहतर समझे। आलिया, ये तो बोलता है।